हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बैकग्राउंड से आपको पता चल गया होगा कि ये पुराना घर है और मैं पहुंच चुकी हूँ मालत। हमारा प्लान तो था, वो आप शॉर्ट वीडियो में देख लेना, कि हम महानोग जाए जहाँ पे देवता महाराज रहते हैं ढाल करने। लेकिन नीचे के लिए हमको गाड़ी नहीं मिली, आई मीन पैदल भी जा सकते थे बट हम उसके लिए काफ़ी लेट हो गए थे। तो मैं मामू के साथ ही, मतलब हम लोग, मैं और मम्मी मामू की गाड़ी में ऊपर आ गए क्योंकि ये लोग सुबह हानोंग निकल गए थे। और फिर हमको नीचे घर के पास मिले एंड या अभी जस्ट पहुँचे हैं। इधर चल रहा है महाभारत, किस बात पे? आज मैंने रिंचन का कॉलेज कैंसिल करवा दिया। क्यों? क्योंकि ये बोल रही है कि मुझे कॉलेज जाना है। नई नई लड़की को कॉलेज का शौक चढ़ा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ हम इस उससे गुजर चुके, दौर से गुजर चुके तो कॉलेज में एक दिन जा रही है तो अपना टाइम वेस्ट करने, ठीक है? कल भाभी ऐसी हो जाएगा। अरे बेबी, क्या पढ़ाते कॉलेज में यार? मामी लग चुके हैं। हाँ जी, चाय बना रही हूँ आपका, थक के आए अभी। नीचे भी पी हमने पंडानी जी के घर पे बैठे थे। हाँ तो क्या करते, आधे घंटे बैठे थे, मतलब आधे घंटे पहले आई थी पर यार हमारे से थोड़ी सी गलती इन दोस्तों, धोखेबाज लोग, धोखेबाज लोग हमको लेके नहीं गए। माफ करना आपने, मंदिर के लिए मैं सधोखा डांड डांड फोड़ डांड डांड फोड़ डांड देवा तारा डांड देवा हाँ छड़ना छोड़ना हमारी पहाड़ी में खोए ना बोलते हैं तो, और खोए नहीं आता, खोड़ना खोड़ना खोड़ना, ओके। मंदिर में चढ़ाने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए एक एक पैकेट लेके जाओगे मामू? हाँ, लोग भी लेके गए थे ना, एक पैकेट, एक सोल्टा, सोल्टा मम्मी लोगों को समझ नहीं आया, एक लिफाफा, एक लिफाफा, हाँ फिर बोल दे एक पाथा शेर, एक शेर आएगा, आपका आ गया, हो गया रिकॉर्ड, हो गया। तीसरे मंदिर जाएगी, अब तीसरा मंदिर कौन सा? गूगल अमी कब है? नमी तो पता नहीं कब है पर हम मंदिर तो जरूर जाएंगे। आज जाएंगे? नमी तो पड़ी है, बारिश कितनी हो रही है, तो बहुत नमी नमी है, नमी तो बहुत पड़ी है। मामू क्यों चाय पी रही? खाली हल्का सा रखा होता है बिस्किट, हल्का सा जीरा का, जीरा सलके वाला जीरा बिस्किट। थैंक यू डार्लिंग। नहीं नहीं खाना कीड़े काटे तक ना कीड़े पास जंगल में मिलती है सब्जी जलगा, यहाँ पे जंगल में होती है सब्जी। ये कुआछ जैसे नहीं दिख रहे मम्मी देखो? अरे इसका बीज है ये जलगा, ये जंगल से लाते इतना सा मिलता है छोटा सा, फिर लगाते हाँ फिर ये बीज है इसका। मुझे लगा तंबाकू का पेड़, तो ये तो तंबाकू का भी ऐसे ही होता है। सर गाइस, आपने मेरी चप्पल देख ली होगी कितनी फैंसी है क्योंकि मैंने मामू की डाली है। शूज खोलने पड़ते हैं, पहनने पड़ते हैं एंड ये है मेरा आउटफिट आज का। और मैं आई हूँ मंदिर क्योंकि आज है मकर संक्रांति, संक्रांति संक्रांति है आज, ढाल करने हानोक नहीं जा पाए इसलिए यहीं आए कढ़ाई लेके। ये हमारा मंदिर पुराना वाला है। मेरा बहुत मन है कि मैं इस मंदिर को बनाने के लिए कुछ अपना योगदान दूँ जो कि मैं दूँगी इन फ्यूचर, बट मेरा सच में बहुत मन है। और मम्मी का भी ये विश है कि हमारा जो मंदिर है गांव का वो अच्छा बने क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है गाइस। और एक्चुअली मैं चाहती हूँ हमारे गांव का मंदिर बहुत अच्छा हो,
और जो कि होगा आने वाले टाइम में। क्यों मामी, कैसे आने वाले टाइम में तो हमारे गांव का मंदिर अच्छा होगा, बहुत जल्द जल्द बन जाएगा, हमारे गांव में भी सुंदर मंदिर बन जाएगा, सुंदर मंदिर होगा, हमारी मनोकामना पूरी करे भगवान की, हमारा मंदिर जल्द से जल्दी, है ना। मैं भी यही विश करती हूं, अगर इतने लोग देख रहे हैं ना तो मतलब लाइक और शेयर करे हमारा मंदिर, ताकि जल्दी जल्दी बने, मंदिर है बहुत वो करे, इसके लिए दान करे, कुछ कर सकते तो बढ़िया। चलो चलो दिल्ली किस चीज की है ये? दिल्ली को याद है, शिलोटी, शिलोटी नहीं, मैं हर कुछ ही बोल रही हूँ आज। और ये है रेड गोल्डन, है ना रंजन? हाँ, तो ये गोल्डन है ना, ये गोल्डन, अच्छा ये रॉयल है, ओके। हाँ कलर अच्छा नहीं है, साइज भी नहीं है, कलर भी नहीं है, बट ये तो ठीक है। किसके से भैया? अच्छा मामा जी के। और ये व्यू दिखता है गुगा पीर महाराज के मंदिर को जाते हुए, बहुत ही सुंदर व्यू है उस साइड को, जुबली कनहा और मशौत सारा एरिया दिखता है, एंड ये है धार, तो बहुत ही सुंदर जगह है ये। नमस्ते नाना जी, ठीक है जी, आप बताओ, ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, हाँ जी ठीक है। ओम जय हो, बस की शेप में। गाइज ये है मेरे चाचू का घर, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे, और यहाँ पे हमारी दोगी भी है, वो नहीं दिख रही यहाँ से, वो आगे से दिखेगी, मैं दिखाती हूँ आपको। गाइज आप ये सामने देख रहे हो, ये मशौत है, ये अपना भोलाई भोलाण बोल रही हूँ मैं, और वो सामने ऊपर कन्हा है, कन्हा के गांव बहुत कम दिख रहे हैं पूरे सामने, कन्हा, ओके। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ना मेरी हिंदी अच्छी और ना ही मेरी अंग्रेजी अच्छी है, तो ना ही मेरी पहाड़ी अच्छी है, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बट यस ये है व्यू, बहुत ही सुंदर। ये है मालत सामने, एंड यहाँ से दिखता है ये व्यू, सामने चूड़धार है बादलों के बीच में जो दिख नहीं रहा है, और वो सामने है कुप्पू भी, यहाँ से आ रही है मम्मी, यहाँ को बोलते हैं धार, और गर्मी लग रही है अभी तो। अपना कालू, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, रॉकी बोलते हैं आई थिंक, शर्मा जी वगैरह का कुत्ता है, लेकिन मम्मी से बहुत प्यार करता है, इसलिए। ये है हमारे मामू का घर, एंड वो सामने को भी है मामू का घर। नमस्ते नानी जी, ठीक है तुम्हें? ठीक है मैं, ये तू ठीक है? बढ़िया। अरे फिर रोको ना। ओ हाँ जी मम्मी। और ये है नानी की समोस की किचन, जहाँ पे बनता है समोस में खाना। मामू वगैरह का बहुत पुराना घर है, यहाँ मेरे बड़े मामू रहते हैं, वहाँ से जहाँ से मैं आई वहाँ छोटे मामू रहते हैं, और ये ना लिटरली बहुत बहुत ही ज़्यादा पुराना घर है, मैं आपको ना इसका किसी दिन टूर दूंगी। बेबी कील रखने थे कहीं, यहाँ रखो, बंगजीरी रखी हुई तुमने, यहाँ बंगजीरी लग रही है मुझे, कुछ बन रही है बंगजीरी, डार्लिंग बना रही है तू तो बहुत अच्छी चपाती बना रही है, लेकिन साइड में देना बंजीरी, और उसके ऊपर पता मुझे क्या चाहिए? चीनी नहीं, शक्कर है, अयो फिर तो नमक ही लूंगी,
चीनी भी खाते इसमें कई लोग खाते हैं इसमें। पर भाई अब फिर मेरे को ना ये है घर की मसूर, मसूर की दाल चारना धार से है ना मामी, चारना धार की से आई है और ये बनाया इधर मामी ने धिंदड़े पत्ती के पत्ते अरबी के पत्ते। बाय मामी, बाय बाय माय बेबी, डैडी के पास से चाबी, बाय रिंचन, बाय मामू। हो गया फट फट की आवाज आई, आवाज आती इसमें से करती इसको ना। हाँ। कभी तो होती कभी होती। ये आई आवाज आई किस चीज के फूल है मम्मी ये? पता नहीं इसको बोलते हैं ले दूरी या क्या पता नहीं क्या बोलती इसके लिए, बिना खिशानी है ये कुछ और ही है, बिना खिशानी पता मेरे को नहीं आता मम्मी को आता ये तो, इसके लिए कुछ बोलते है तिल बोलते शायद, तिल के तिल है इसमें तिल जैसे लगते आगे को। अब देखा इसको ये तो है ही है ना इसका एक इसमें ये भी है बीज लगता है यहाँ ये इसमें बीज लग रहा है अब पकेगा ये बीज इसमें बीज लग रहा है फिर आता है खाने के लिए तिल बोलते इसके लिए क्या तिल उगते हैं अरे तिल जैसे होते है खाने को करती थी इसको यूं फाड़ते और तिल करते खाने को बच अरे आप नहीं खाना नहीं खराब कर अपने पेट से निकाले मैंने ये थक गए इतना थक गए कि फाइनली पहुंच गए घर 5 बजे सुबह 8 बजे के निकले 5 बजे घर पहुंच गए एंड इट वाज वेरी गुड डे आल्सो वेरी टायरिंग क्योंकि मैं बहुत टायर फील कर रही हूँ उसका ये रीज़न है मैं रात को 1 बजे सोई थी मैं यूजली रात को बहुत लेट सोती हूँ एंड सुबह फिर जल्दी उठना नहीं होता है बट आज मैं जल्दी उठ गई थी साथ इज वेरी अर्ली फॉर मी तो बट अभी मुझे ऐसे नींद के झटके आ रहे हैं और हनोक नहीं जा पाए बट कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम जाएगी सो या गाइस दैट इज़ इट फॉर द व्लॉग आई होप यू एंजॉयड दिस वन एंड अभी मैं काफ़ी टाइम गांव में रहने वाली हूँ सो आपको गांव के बहुत सारे व्लॉग्स मिलने वाले हैं क्योंकि एक तो रोज़ भी ख़राब है और मुझे मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड भी करना था तो मैंने सोचा 10-15 दिन एटलीस्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी एंड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है देखने को सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा थैंक यू